हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? आज की वीडियो में हम SHM की डेफिनेशन के आगे की चीजें समझने वाले हैं, ठीक है? हमने पिछले वीडियो में सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन और उसकी इक्वेशंस डिराइव करी है। आज हम उसके थोड़ा आगे चलने वाले हैं। आज की वीडियो में थ्योरी ही होगी, छोटे मोटे क्वेश्चन होंगे, बट बेसिकली थ्योरी पर ही फोकस रहेगा। तो ठीक है, कॉपी किताबें निकाल लीजिए, हेडिंग पहले से ही पढ़ी हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वही डाल के रखिए और शुरू करते हैं। यह है आपका फेवरेट चैनल फिजिक्स फंडामेंटल्स। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM हमने इक्वेशन डिराइव कर ली थी। इक्वेशंस क्या थी एक बार यहां पे लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसपे फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स लग रहा है तो फोर्स शुड बी इक्वल टू माइनस के एक्स। ये हम स्प्रिंग के केस में हम ये देख चुके हैं, ठीक। फिर हमने इक्वेशंस निकाली थी जो कि निकली थी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल वी इक्वल्स टू ए ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस डेल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी प्लस डेल। वेलोसिटी की एक और टर्म निकाली थी हमने, वो आई थी हमारी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्सेलरेशन की एक और इक्वेशन निकाली थी जो थी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक। ये साइन है, ठीक। ये सारे इक्वेशंस निकाल लेते हैं। अब हमें समझना है कि इक्वेशंस का मतलब क्या होता है। हमने इक्वेशंस तो निकाल ली, लेकिन इनका मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम इस इक्वेशन को ले लें, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, यह है इक्वेशन। ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ठीक। ये तीन क्वेश्चन मार्क्स लग गए हैं। ये चीजें क्या है? इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसको बोलते हैं फेज कांस्टेंट। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है? क्योंकि साइनसोइडल फंक्शन है तो इस साइन ओमेगा टी प्लस डेल की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम 1 से माइनस 1 के बीच में रेंज करने वाली है। is going to lie between minus 1 to plus 1। तो a जो है वो decide करता है इसकी amplitude कितनी होगी। अगर यहां पे मैं a sin omega t plus del की बात करूं तो ये a से minus a के बीच में रहने वाला है। ए एंड माइनस ए आर द लिमिट्स, मैक्सिमम लिमिट्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज पॉसिबल, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी एम्पलीट्यूड। ओमेगा होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। हमने निकाला था ओमेगा जो था वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि
किस फ्रीक्वेंसी से ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, या फिर इसी को अगर हम लीनियर वेरिएशन निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ओमेगा अपॉन 2 पाई, मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। इसी का अगर इनवर्स कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाता है जो कि होता है हमारा 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि इतने टाइम के बाद अपना मोशन रिपीट कर रहा है ये जो भी पार्टिकल जो इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है उसकी बात। ठीक है, यहां तक समझ में आता है। इस पूरे टर्म को ओमेगा टी प्लस डेल, इस पूरे टर्म को बोलते हैं फेज और इस पार्ट को बोलते हैं फेज कांस्टेंट, जो कि यहां पे लिखा हुआ है ये। अब और से देखिए, साइनसॉइडल फंक्शन है, साइनसॉइडल फंक्शन कैसे बन सकता है? साइनसॉइडल फंक्शन ऐसे बनता है, साइन 0 0 होता है, ये 0 हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये पाई हो गया, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड प्लस ए है, ये माइनस ए है, यह साइनसॉइडल फंक्शन। तो विद टाइम मेरा ये मूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक फेज कॉन्सेप्ट डेल भी दिया हुआ है। इस डेल का क्या सिग्निफिकेंस है? डेल ये डिसाइड करता है कि मेरा साइनोसाइडल कहां से शुरू हो रहा है, ये पार्ट ये डिसाइड करता है कि मेरा ओरिजिन कहां पर है। ठीक, ये समझ में ओके। साइनोसाइडल फंक्शन तो है ये, जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया जब टी जीरो था, हमारा पार्टिकल था कहां पर, हम ये समझ सकते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, आप इसको समझने की थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। ठीक है, ये मैं डिलीट कर दे रहा हूं, फेज कॉन्स्टेंट और फेज को समझते हैं। ठीक, एम्पलीट्यूड समझ में आ गया, एक तो मैंने ये बना दिया, एक मैंने ये बना दिया, ये भी साइनोसाइडल है, ये भी साइनोसाइडल है, ये जीरो था, ये पाई है, ये 2 पाई है। ठीक है, ये है हमारा पाई बाई 2, ये है हमारा 3 पाई बाई 2 और ये 5 पाई बाई 2 है। ठीक है, तो दोनों ही साइनोसाइडल है। तो जो हमारी इक्वेशन निकल के आ रही थी, ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमने ओरिजिन ये ले रखा है, पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन एट टाइम इक्वल्स टू 0, तो अगर पार्टिकल ओरिजिन पे था तो 0 लेंगे और टाइम 0 था साइन, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो फाई की वैल्यू, ये डेल है, डेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये समझ में आ गया। हमने पोजीशन 0 ले ली टाइम इक्वल टू 0 पे, यानी कि पार्टिकल ओरिजिन पे था और एक डायरेक्शन में जा रहा था। दूसरा केस हम लेते हैं, हमने पोजीशन मैक्सिमम ले ली है पॉजिटिव साइड में, यहाँ पे एट टाइम इक्वल टू 0, तो अगर मैंने पोजीशन मैक्सिमम ले रखी है तो ए इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, टाइम इक्वल टू 0 है तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, साइन डेल इक्वल्स टू 1, डेल इक्वल्स टू पाई बाई 2 या इसके जो भी मल्टीपल्स हैं। तो बच्चों हमने दोनों के समझ लिए, एक केस में जब हमने पार्टिकल की पोजीशन जो मेन पोजीशन पे थी उसको ओरिजिन लिया है एट टी इक्वल्स टू 0 पे, तो ये साइनोसाइडल फंक्शन बन रहा है। दूसरे केस में हमने पार्टिकल की एक्सट्रीम पोजीशन ए, जहां पे पार्टिकल पहुंचा हुआ था, जो कि ये है या फिर ये है, टाइम इक्वल टू 0 पे हमने इसको लिया हुआ है, पार्टिकल एक्सट्रीम पे है, तो जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर है तो हमारा डेल की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई। तो ये बस फेज डिफरेंस क्रिएट करने के लिए है कि हमने ओरिजिन किस पोजीशन पे लिया हुआ है, यानी टाइम इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, सिर्फ वो समझने के लिए हम डेल रखते हैं। मोस्टली हम 0 रखते हैं
क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है किसी भी वैल्यू पे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये समझ में आता है? चलो वेरी गुड। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर। तो ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, अ पार्टिकल एक्सक्लूड्स एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए अलोंग एक्स एक्सिस एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज ए बाय टू एंड इट्स मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, फाइंड द फेज कॉन्स्टेंट इन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, पॉज कर दीजिए, सॉल्व करिए, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं इसको। पोजीशन दे रखी है हमको एट टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, किस पोजीशन पे था, एक्स वाज ए बाय टू, तो हम इसमें रख सकते हैं एक्स वाज ए बाय टू एट टाइम टी इक्वल्स टू ये हो गया जीरो, ए से ए बढ़ा दिया, साइन डेल इक्वल्स टू वन बाय टू, दिस इंप्लाइज दैट डेल इक्वल्स टू पाई बाय सिक्स। सिंपल था, सीधे फॉर्मूला एप्लीकेशन था, लेकिन जरूरी था तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को डाल दिया, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। चलिए वेरी गुड। तो छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ वैसे ही कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एस एच एम एस प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर अगर सर्कुलर मोशन है तो एस एच एम इज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, ये ऑब्जर्वेशन करी थी कैप्लर्स ने। What Kepler was doing, Kepler क्या कर रहे थे कि कई सारे कॉमेट्स का मूवमेंट ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने तो उसकी कॉमेट की वजह से जो शेडो पड़ती वो उसको ट्रैक कर रहे थे। तो कॉमेट अगर सर्कुलर है तो उसकी शेडो यहां पे पड़ रही थी इस तरह से, तो उसकी शेडो का मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे, उन्होंने देखा शेडो जो है वो SHM की तरह मूव कर रही है। एट दैट टाइम किसी को आइडिया नहीं था कि SHM क्या होता है, बट टाइम पीरियड वगैरह उन्होंने उसका निकाला था और इक्वेशंस निकाली थी, लेकिन विद टाइम हमको समझ में आया कि अगर हम सर्किल में कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है, लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट, ये मेरा ओ है पॉइंट और इस सर्किल की रेडियस अगर आर है ए बी, तो इस पॉइंट की अगर इमेज देखूंगा मैं, इस पॉइंट की अगर ऊपर से इमेज देखूंगा तो यहां पड़ेगी, लेकिन ये पॉइंट यहां था पहले, फिर यहां आया, यहां आया, ऐसे 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 करके इसकी इमेज जो है इस एरिया में मूव कर रही है, जो पॉइंट क्यू मान लेते हैं, पॉइंट क्यू का जो मोशन है अगर एक्स एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन किया जाए तो इन दो पॉइंट्स के बीच में ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ओ क्यू का जो एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, ओ बी है, ऑन एक्स एक्सिस, सिमिलरली ओ ए is projection of OQ on y axis। तो जो projection आया OB वो होगा क्या, equals to OQ cos theta, ना theta क्या है, अगर ये particle एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है तो किसी भी टाइम पे कितना एंगल होगा, ओमेगा टी एंगल कवर करेगा, ओमेगा टी,
तो ये बन गया आपका ओ क्यू, कितना हो गया आपकी रेडियस हो गई कॉस ओमेगा टी। सिमिलरली ओ ए इक्वल्स टू ओ क्यू साइन थीटा इक्वल्स टू आर साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों ही आर साइन ओमेगा टी आर कॉस ओमेगा टी, ये दोनों ही साइनोसाइडल इक्वेशंस हैं। और अगर मैं ओ बी की बात करूं तो ये जो है ये पॉइंट बी जो है ये कैसे मूव कर रहा है साइनोसाइडल, सॉरी ये पॉइंट बी जो है ये कैसे मूव कर रहा है इस इक्वेशन के थ्रू मूव कर रहा है, क्योंकि ओ बी जो है वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा। तो पॉइंट बी जो है वो ऐसे 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 करके मूव कर रहा है गवर्न बाय दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज नथिंग बट अ फेज शिफ्टेड ये पोजिशन इक्वेशन ऑफ एस एच एम। तो यही है पोजिशन ऑफ पॉइंट बी इक्वल्स टू पोजिशन बी इक्वल्स टू आ कॉस ओमेगा टी इक्वल्स टू आ साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। ये फेस हो गया, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, ये एम्पलीट्यूड हो गई। तो बेसिकली दिस इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस कॉन्सेप्ट पे कुछ एक सवाल जेई में पूछे गए हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई दिस कॉन्सेप्ट वाज लिटिल इंपॉर्टेंट फॉर जेई पर्पस, बट हाँ आपको पता तो होना ही चाहिए फॉर नीट ऑल्सो फॉर दैट मैटर, कि पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझने वाले हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन का क्या सीन है, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व होगी नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक, ये सारी चीजें। ठीक है, सो एनर्जी कंजर्वेशन एस एच एम, ठीक है निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमको पता ही था, इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, और एस एच एम के केस में कंजर्वेटिव फोर्स ही है रिस्टोरिंग फोर्स जो है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ये होता है हमारा वर्क डन, क्या होता है ये होता है वर्क डन की फॉर्मूला। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डॉट डी एक्स, फोर्स कितना निकल रहा था, ये निकल रहा था माइनस के एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर देंगे माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाय टू। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो वो कितना हो गया, आगे पोटेंशियल एनर्जी आपकी जो कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन थी। के की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर यहां पर रख दे तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू के अपॉन एम एक्स, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो के इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जो होती है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब हमको निकालना है कि किसी भी पोजिशन किसी भी टाइम टी पे कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी और कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी।
तो x की इक्वेशन विद टाइम ये दे रखी है, वेलोसिटी की डिपेंडेंसी ऑन टाइम ये दे रखी है, ये दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं तो किसी भी गिवन टाइम t पे, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, उस टाइम पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो PE at time t equals to m omega square upon 2 x square a sin square omega t plus m. Similarly, kinetic energy at time t would be m by 2 v square, yani ki a square omega square cos square omega t plus del. Kinetic energy at time t, potential energy at time t. So total mechanical energy at time t कितनी होगी, इन दोनों को जोड़ लेंगे। ये डिलीट कर देता हूं, दिखाने के लिए बताया था, ठीक। इन दोनों को जोड़ लेंगे, m m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और बाय टू, ये सब बाहर ले लेते हैं, m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय टू को बाहर ले लेते हैं, रह जाता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल। इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये बच जाता है वन, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गई एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय टू, ठीक है। मास पता है हमको, कांस्टेंट रहता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड पता है हमको बाय टू, सो दिस इज कांस्टेंट। तो जब ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है तो होता क्या होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल में ट्रांजैक्शन कंटिन्यूअसली चलता रहता है। काइनेटिक एनर्जी एट एनी गिवन टाइम ये होती है, पोटेंशियल एनर्जी एनी गिवन टाइम ये होती है, दोनों ये साइन का स्क्वायर है, ये कॉस का स्क्वायर है, और स्क्वायर कैसा बनता है, पॉजिटिव आ जाता है ऐसे ऐसे। तो बेसिकली अगर इसी को बना लें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, इसका कर्व क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बनेगा, ऐसे। और करंट एनर्जी का कर्व कैसे बनेगा, कॉस स्क्वायर बनेगा, ऐसे। This is kinetic energy, this is potential energy, ठीक है। So kinetic और potential, this is time और this axis पे है आपकी energy, ठीक। Time और energy का graph ऐसा कुछ बन जाएगा, इन दोनों equations को देख करके बनाया मैंने, ठीक है। तो यहां तक समझ में आता है, ड्राइव कर लिया और ये कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट होने की वजह से एक और चीज समझ में आती है, वो ये कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहां पे होल्ड करता है। इसका मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो, जो भी हो सकती है, वो जब स्पीड जीरो हो जाएगी तो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी उस टाइम पे जीरो होगी। पोटेंशियल सारे काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, काइनेटिक फिर से पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। अगर हम स्प्रिंग के केस की बात करें तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट था, अगर ये यहां से यहां के बीच में मूव करता है, हमने इसको खींच थोड़ा सा खींच के छोड़ दिया, तो इनके बीच में वैरी करेगा, तो यहां पे होगी इसकी के ई मैक्स और यहां पे होगी पी ई मैक्स और यहां पर भी होगी पी ई मैक्स, यहां पे और यहां पे के ई जीरो हो जाएगी, यहां पे बीच में के ई सबसे ज्यादा होगी, यहां पे
पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। और ये इंटुइटिवली भी समझ में आता है पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे स्टोर होगी, स्प्रिंग में स्टोर होगी। और कब स्टोर होगी, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजिशन से डिफॉर्म हो, या तो वो दबे या वो खींचे। तो जब वो खींच जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी वहां पे, उस टाइम पे काइनेटिक जीरो होगी। या फिर वो दब जाएगी तो उस टाइम पे भी काइनेटिक जीरो होगी और पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। यही होता है स्प्रिंग में, ठीक है। तो इंटुइटिवली भी यही नजर आ रहा है और इक्वेशन से भी हमने को अपने को यही नजर आ रहा है, टोटल एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। इतना समझ में आता है, चलिए ठीक है। ओके बच्चों, तो जैसे जैसे आप ये थ्योरी करते जा रहे हैं ना, छोटे 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 क्वेश्चंस भी साथ के साथ करते जाइए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कराया था, छोटा सा क्वेश्चन था, उसी तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगे, जो भी बेसिक बुक्स है वो आप करते जाइए ताकि आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन आता जाए। और जब भी क्वेश्चन करिए तो अपना पुराना फंडा है, जब तक कोई आंसर मैच नहीं कर जाता या जब तक आप किसी एक आंसर पे पहुंच नहीं जाते तब तक एटलीस्ट सॉल्यूशन ना देखें, क्योंकि अगर उस दौरान अगर आप सॉल्यूशन देख लोगे तो सीख नहीं पाओगे। दिमाग को हमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल कराना है हर दिन, हर दिन कम से कम 5-7 ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जिसमें आपने स्ट्रगल किया था, क्योंकि स्ट्रगल करोगे तभी सीखोगे। विद दिस थॉट इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।